हिमाचल में क्रॉस वोटिंग के बाद पूरी सरकारी खतरे में आ गई है। क्रॉस वोटिंग और विधायकों के असंतोष को देखते हुए सीएम सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इसके पहले विपक्ष के वार और मंत्री विक्रमादित्य के इस्तीफे से सरकार बेहद दबाव में आ गई थी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की नैया डवाडोल है, लेकिन ऐसी स्थिति अचानक नहीं आई। नई सरकार बनते ही राज्य में असंतोष के कुछ स्वर बुदबुदाने लगे थे, पर सीएम सुक्खू के कान बगावत की इन आवाजों को सुन नहीं पाए और नतीजा सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है कि हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ कांग्रेस के 6 विधायकों को पंचकुला ले गई है। ये किडनैपिंग का प्रयास है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा खेला हो सकता है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कह दिया था कि सरकार अल्पमत में है। वित्त बिल को विधानसभा में वोटिंग के आधार पर पास नहीं किया गया, लेकिन वॉयस नोट के आधार पर इसे पास करना पड़ा। पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जयराम ठाकुर से जब पूछा गया कि क्या भाजपा बहुमत परीक्षण की मांग करने वाली है, तो उन्होंने कहा कि आज बजट पेश किया जा रहा है, बजट पर चर्चा करेंगे और फिर हम वहाँ की स्थिति देखेंगे, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि सरकार बहुमत खो चुकी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक रोमांचक राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 68 विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में अपने वोटों का प्रयोग किया है। सबसे आखिर में चिंतापूर्णी से कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू ने वोट डाला। अस्वस्थ होने के कारण कांग्रेस विधायक बबलू को हेलीकॉप्टर से विधानसभा लाया गया था। राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। राज्य चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को भले ही जटिल से जटिल कानूनी मामले जीतने की आदत हो, लेकिन मंगलवार को जिसे उन्होंने जीत समझा था वो जल्द ही हार में बदल गया। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में वो प्रतिद्वंदी के साथ अप्रत्याशित मुकाबले में फंस गए थे। कुछ कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग के कारण यह मुकाबला बराबरी पर फंस गया था। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद परिणाम के लिए ड्रा की आवश्यकता पड़ी। अब इसे भाग्य कहें या दुर्भाग्य, सिंघवी ने ड्रा में जीत हासिल की, लेकिन फिर भी हार गए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट मिले। इन विधायकों की संख्या को देखते हुए जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से वोटिंग डिवीजन की मांग की है। इसी सियासी ड्रामे के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और सुक्खू सरकार में मंत्री और विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता की तुलना आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से की। उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर हुआ। भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति की वजह से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी मूर्ति लगाने के लिए शिमला के मॉल रोड पर 2 गज जमीन नहीं दी गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2022 में चुनाव जिन परिस्थितियों में हुए थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रतिभा सिंह ने मिलकर प्रयास किए। वीरभद्र सिंह का नाम तब चुनावों में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से विज्ञापन के जरिए वीरभद्र की फोटो के जरिए जनता से वोट मांगे गए। मैंने कभी पद की लालसा नहीं की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।